कर देने वाला पवित्र आत्मा है। वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा उसके साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा के क्लोज रिलेशन के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। सुपरनैचुरल मिराकल्स आपके लाइन पे, सुपरनैचुरल मिराकल का समय है मेरे प्यारे भाइयों। उसकी प्रेजेंस में रहना, एहसास करना। मैं जब देखता हूँ कि बहुत लोग जब हम वर्शिप करते हैं, हम शांत उसकी प्रेजेंस में एंजॉय करते हैं, कोई लोग ऐसे देखते रहते हैं, दे कांट स्टील, दे कांट सीट, वो बैठ नहीं सकते। कुछ लोगों को इतना आदत होता है इनसे प्रेयर करना, प्रेयर करना यानी सिर्फ परमेश्वर से बातें करना नहीं है, दैट इज नॉट प्रेयर। प्रेयर सिर्फ बातें करना नहीं है, परमेश्वर से सुनना, ये प्रेयर है मेरे पास। उसकी उपस्थिति में शांत रहना सीखो। जब आप प्रेयर करो, हालेलुया, ओ हालेलुया, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आप शांत बैठो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जब मूसा पर्वत पर गया, ज्यादा मूसा बात नहीं करता था, परमेश्वर उससे बात करता था। बाइबल में लिखा कि वो उसने जो ते पाट्या घेऊन तो डोंगरा वगैरह रिका में, लेकिन जब ऊपर गया उसकी प्रेजेंस में, हालेलुया, सब उसने भर दिया। जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, शांत बैठते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते, सिर्फ उसके प्रेजेंस में, उसके प्यार से हम खुद को भिगाओ देते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा के लव, हालेलुया, उसकी हालेलुया जेवस पाखर तुमच्या वरती येते, हालेलुया, परमेश्वर काहीतरी करत आहे तुमच्या लाइफ मध्ये। वंडरफुल इज राइटिंग, प्लॅन इज राइटिंग, फ्यूचर प्लॅन इज राइटिंग, वंडरफुल प्लॅन इज राइटिंग। स्वर्ग में हालेलुया आपके लिए प्लान परमेश्वर तैयार कर रहा है। राइटिंग, हालेलुया, परमेश्वर लिख रहा है वो प्लान आपके लिए। जब आप उसके प्रेजेंस में गुम हो जाते हैं, हालेलुया, 101% परमेश्वर आपके लिए बहुत बहुत प्लान कर रहा है। राजा रानी बनने के प्लान कर रहा है, हालेलुया, किंग एंड क्वीन होने के लिए परमेश्वर आपके लिए प्लान कर रहा है ऊपर। जब दाऊद उसके संगति में बैठता था, कुछ बुड़बुड़ नहीं किया, कुड़बुड़ नहीं किया कि मेरा फादर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे ये काम दिया है, चरवाहा बनाया है, मुझे परमेश्वर ने तो अभिषेक किया है राज्य करने के लिए, राजा मैं बनूंगा, लेकिन मेरा अनॉइंटिंग वो पहचान नहीं रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो परमेश्वर के सामने, हालेलुया, उसके प्रेजेंस में, हालेलुया, शांत बैठना सीख गया था। तो मला हिरव्यागार कुरणामध्ये घेऊन जातो, तो माझा जीव शांत ताजातवाना करतो। उसने सीखा था वो, उसकी प्रेजेंस में जाना और उसकी प्रेजेंस में हालेलुया वो रिफ्रेश हो जाता है। सीखा था उसने, जंगल में, रेगिस्तान में कोई नहीं देखता था, लेकिन वो सीख रहा था, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शॉल नॉट वांट। व्हाट अ वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसको मालूम था, उधर प्लान लिखा है ऑलरेडी, आई विल बिकम किंग, मैं राजा बनने वाला हूं। बोलो, मैं राजा बनने वाला हूं। लेडीज लोग बोलो, मैं रानी बनने वाली हूं। अच्छा जी, मेरा पति कितने बार बोल रहे हैं, मैं तुझे रानी बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, लेकिन रानी तो छोड़ो, नौकरानी भी, नौकरानी से बेहतर हालत कर दी मेरी। नौकरानी के पास बहुत गहने, मेरे पास गहने भी नहीं। लेकिन प्रभु का प्लान वैसा नहीं, हालल सो वंडरफुल प्लान, हालेलुया, उसके प्लान कभी फेल नहीं हो जाएंगे मेरे प्यारे। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं,
जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिनका परमेश्वर चरवा है, हालेलुया, उसके में जो प्लान परमेश्वर ने बनाए हैं, वो कभी फेल नहीं हो जाएंगे, वो कोई मिटा नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। उस जंगल में परमेश्वर ने उसके लिए लिखा था कि यू विल बिकेम अ किंग। डोंट से यू आर शेफर्ड। मत कहो कि मैं चरवा हूं, मैं फक्त मेंढपाड़ा है। नो, यू विल बिकेम अ किंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कितने भी मुसीबतें आए, कितने भी रुकावटें आए, एक शौल नहीं, हजार शौल आए, शाऊल आए, हालेलुया, कोई भी आपके खिलाफ खड़े हो जाए, कितने भी पर्वत खड़े आपके सामने हो, लेकिन उसका प्लान कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्लान कोई रोक नहीं सकता, परमेश्वर हर एक के हालेलुया जीवन में जो प्लान उसने किए हैं, हालेलुया, जो जब आप उसके प्रेजेंस में बैठते हो, हालेलुया, तब वो प्लान आपके लिए करता है। वो प्लान कभी फेल नहीं हो जाएंगे। आप उसके चरणों में बैठना, हालेलुया, नॉट वेस्टिंग दिस इन्वेस्टिंग, नॉट स्पेंडिंग, ये टाइम गवा नहीं रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, इन्वेस्ट कर रहे। हाँ, जब आप बचत करते हो, पैसे की इन्वेस्ट करते हो, हालेलुया, सेव करते हो, वो वेस्टेज नहीं है। वैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप बैठते हो, दिस इज नॉट वेस्टिंग टाइम, दिस इज द इन्वेस्टिंग टाइम। प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, और परमेश्वर उसके हालेलुया जो प्रतिफल है, वो बहुत 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 बड़ा प्रतिफल आपको देगा, बहुत बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको देगा, बहुत बहुत बड़ा ओ बख्शीश गिफ्ट परमेश्वर आपको देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो भूलेगा नहीं, मेरे प्यारे भाइयों, जो दाऊद उस रेगिस्तान में परमेश्वर के लिए गाया था, परमेश्वर कभी भूला नहीं वो गीत। जिस रेगिस्तान में आप चल रहे हो, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के लिए गीत लिखते हो, गाते हो, हालेलुया, परमेश्वर भूला नहीं, मेरे प्यारे भाइयों। परमेश्वर स्मरण कर रहा है, वो भूला नहीं सकता। नो मैटर वेल यू कैन डू, आप पाप में गिरोगे, गिरे रहोगे, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। जब मैंने पढ़ा कि यली के जो दो पुत्र थे, हपनी और फिनहास, वो भी याजक के पुत्र थे, उन्होंने व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको मार दिया। लेकिन दाऊद को उसने मारा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर गए रहोगे, आज अभी आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रहोगे, परमेश्वर के प्लान में नहीं चलते रहोगे, हालू इसके बुलाहट को भूल गए रहेंगे, आपका रास्ता भटक गया होगा, लेकिन मैं 101% कहता हूं, परमेश्वर वापस उस रास्ते पर आपको लेके जाएगा, वो आपको भूलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हफनी और फिनहास, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में कभी बैठे ही नहीं थे। बाइबल में लिखे कि वो परमेश्वर को पहचानते भी नहीं थे, बट दे आर मिनिस्ट्रिंग लॉर्ड, दे डोंट नो, उसको परमेश्वर को पहचाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सेवा कर रहे थे वो। लेकिन हालेलुया, दाऊद जो था, हालेलुया, उसकी प्रेजेंस में बैठा था, उसकी संग चला था, उसके गीत लिख रहा था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको, उसने जो किया वो भूला नहीं। हालेलुया, आज मैं कहता हूं, जो परमेश्वर के लिए आपने त्यागा है, जो परमेश्वर के लिए आपने सैक्रिफाइस किए हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करके आपने दिन बिताए हैं, वो परमेश्वर भूलेगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया फिर से आपको खड़ा करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। अधर्मी नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर के धर्मी जन को हालेलुया 7 बार गिरे फिर भी परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको उठाकर चट्टान पर आपको खड़ा करेगा जहां पर कोई आपको हालेलुया हिला नहीं सकता। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो साधारण हूं, मैं तो मिट्टी हूं पास्टर जी। पतरस को जब प्रभु ने चुना हालेलुया हिलने वाला था, वो बोरू के समान हिलने वाला, लेकिन परमेश्वर बोला पतरस, मैं उसका नाम परमेश्वर ने पतरस रख दिया शिमोन से। पतरस यानी रॉक, बोलो रॉक। बोलो रॉक, चट्टान। हालेलुया। जब हमारा उसके मेल हो जाता है परमेश्वर से, हम मिलते हैं, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक अलग अलग नाम रखा है। लड़की शादी करती है पर में जो उसका जो हस्बैंड है नाम चेंज करके रखते हैं कुछ कुछ, वैसा जब हम उससे मिलते हैं हर एक का नाम चेंज हुआ है ऑलरेडी। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का इज़राइल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। बनोनी का बन्यामिन कर दिया। बनोनी मेरे दुख का पुत्र, जब राहेल जब थी गर्भवती थी, बहुत गर्भ हल्लुया उसको बहुत वेदनाएं हुई, बहुत दुख हुआ, और जब उसने प्रसूति किया बच्चे को पैदा किया वो मर गई, उसका लाभ बनोनी लिखा, लेकिन परमेश्वर जो उसका पिता था उसने बनियोने से बन्यामिन मेरे हल्लुया चहिता पुत्र, मेरे राइट हैंड मेरे दाहिना हाथ का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक का नाम चेंज करके रखा है। आप बोलेंगे पास्टर फिर मेरा बताओ, अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो, उसको ही पूछो। आओ जब आप उसके प्रेजेंस में जाओगे हालेलुया वो बताएगा क्या नाम है तुम्हारा। नहीं नहीं मैं तो हिलने वाला हूं, नहीं नहीं पतरस, तू पतरस है, तू चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मेरे लिए तूने किया है मैं भूलूंगा नहीं। उसने नाव छोड़ी थी प्रभु के लिए, सारा ओ सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया, और नो फ्यूचर की उसने परवाह की कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे खाने को मिलेगा क्या, मुझे कपड़े पहनने को मिलेंगे क्या, मुझे अरे मेरे बच्चों को मेरे बीबी का क्या होगा, कुछ सोचा नहीं, उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं मेरे प्यारे भाइयों। वो भूल गया परमेश्वर को, बोला कि यीशु बोला उसको कि मुर्गा बाग देने से पहले तू मुझे 3 बार हालेलुया रिजेक्ट करेगा, तू मला 3 वेळा नाकारशील। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है हम कितने बार उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि जितने बार रिजेक्ट करेंगे परमेश्वर उतने बार खड़ा करेगा। उसने बहुत प्यार से उसकी ओर देखा, बोलो प्यार से देखा। हम जब लोग हमको हर्ट करते हैं, दिल को चोट पहुंचाते हैं, हम ऐसे देखते हैं फायरी फायरी आंख से, क्या अभी उसको भस्म कर देंगे। एलिया की जैसी शक्ति शक्ति पावर हम में होता तो कभी किसको भी भस्म कर दिया रहते। आ जाओ आग इसको भस्म कर दो। इसलिए परमेश्वर आपको पावर नहीं देता। परमेश्वर बोलता है पहला पावर से भरने के से पहले प्यार से भर जाओ रे बाबा। हालेलुया। प्यार से भरोगे तो पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बोलो पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। यीशु मसीह ने जब अंधे को देखा, लंगड़े को देखा, तरस खाया, और तरस खाकर जब प्रेयर किया, प्रार्थना किया, छू लिया, हालेलुया ऑटोमेटिक पावर उससे फ्लो हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ऑटोमेटिक पावर फ्लो हो जाते हैं जब आप प्यार से भर जाते हो, उस तरस से भर जाते हो। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया पतरस का
सैक्रिफाइस प्रभु ने भूला नहीं, परमेश्वर आपका सैक्रिफाइस भूलता नहीं है। उसने प्यार भरी नजर से देखा, व्हाट अ वंडरफुल आइज। उसकी प्यार भरी नजर के सामने दुनिया की कोई भी लड़की की, किसी मॉडल की, हालेलुया, आके कुछ भी काम की नहीं है। नो कंपैरिजन के लायक भी नहीं है वो। कंपैरिजन तो छोड़ो, उसके लायक भी नहीं है। जब परमेश्वर की प्यार भरी आंखें आप देखोगे, हालेलुया, आपका दिल मोम की तरह पिघलने लगेगा। कितने भी आप हार्डन हो जाओ, आपके दिल पत्थर की भी तरह हो जाएगा, लेकिन जब उसके सामने आमना सामना हो जाएगा, जब यीशु की आंखों में देखोगे, हालेलुया, आपके लिए जो प्यार है उससे आपका जो दिल है मोम की तरह, हालेलुया, एक पल में पिघल जाएगा। Praise the Lord. तीन बार उसने रिजेक्ट किया था, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो वॉट यू आर सेइंग, लेकिन उसकी एक प्यार भरी नजर ही है, हालेलुया, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह की प्यार भरी नजर आपके लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है। उसकी प्यार भरी नजर आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए काफी है। उसकी प्यार भरी नजर आपको पाप छोड़ने के लिए काफी है। उसकी एक प्यार भरी नजर परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ाने के लिए वो आपके लिए काफी है वो। Praise the Lord. एक नजर ने उसका लाइफ परिवर्तन कर दिया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, वो प्यार से भरा परमेश्वर है, वो आपको छोड़ता नहीं, भूलता नहीं व्हाट यू डिड फॉर यू। उसके लिए आपने जो किया है आप भूल गए रहोगे, लेकिन वो कभी नहीं भूला। एंड वो वापस आपको ऊपर रखेगा। दाऊद 16 महीने गायब हो गया, गत में गया, ओ पलिस्तियों के नगर में रहने लगा, हालेलुया, सब सेफ्टी था, सब सिक्योरिटी था, नो प्रॉब्लम। बोलो नो प्रॉब्लम। हाँ पास्टर, ऐसा लाइफ, कुछ कुछ लोग बोले पास्टर ऐसा प्रेयर करो कि प्रॉब्लम एंड तक नहीं आने चाहिए। फिर मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु इसको उठा ले प्रभु। बोले प्रभु पास्टर जी ऐसा क्या, अरे इस दुनिया में रहोगे तो प्रॉब्लम होने वाले, ऊपर है तो ऊपर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बोलो नो प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोग बोलते प्रभु कभी रैप्चर हो जाएगा, यह होगा इज़राइल में, यह होगा, होगा रैप्चर रैप्चर रैप्चर। मैं बोलता अरे प्रभु थोड़ा रुको और मुझे प्रभु का काम करना है। अभी तक मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया है, मैंने आपको संतुष्ट नहीं किया है, मैंने मेरे दोस्त बाकी है, मेरे रिलेटिव बाकी है, मैं उन लोगों का कर्जदार हूं कि उनका प्रभु का वचन सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है, वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे, हालेलुया, तब मैं आपके सामने खड़ा हो सकूंगा, नहीं तो मैं आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकूंगा। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु आनंद पास्टर प्रभु आएगा तो सब प्रॉब्लम हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा इधर का, बहुत रो के मैं बहुत थक गई हूं, इसलिए लोग रैप्चर का इंतजार करते, कब आएगा प्रभु, कब आएगा, ये हुआ इज़राइल में, ये होगा, ये होगा। फलाना फलाना फलाना। मैं बोलता हूं इधर भी रो रहे हैं आप, ऊपर जाके भी रोने वाले हो, क्या करने वाले हो, बोलो रोने वाले हो। आप बोलेंगे कैसे क्या पास्टर जी रोने वाले, ऊपर तो कुछ नहीं, तो बाइबल में लिखा है ना, प्रगतिकरण का पुस्तक में पढ़ो कि परमेश्वर आपके आंसू पोछेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप वहां पर भी रोएंगे, क्यों रोएंगे मालूम है, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया, सिर्फ मुझे लगा कि यहां से प्रॉब्लम छूटकर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आपको संस्मरण में आ जाएगा, अरे मैंने इसको सुसमाचार नहीं सुनाया, बाजू वालों को नहीं सुनाया, मेरे दसवीं के दोस्तों को नहीं सुनाया, मेरे बारहवीं के दोस्तों को नहीं सुनाया, हालेलुया मेरे रिलेटिव बाकी है, मेरे ये फलाना फलाना बाकी है, उसको मैंने सुनाया नहीं, प्रभु वो नरक के मार्ग में जा रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है तेरा टाइम आउट हो गया, अभी अभी तो आउट ऑफ कवरेज हो गया उधर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यही समय है कि हम परमेश्वर के लिए हालेलुया कार्य करें। यही समय है कि परमेश्वर का सुसमाचार हम सुनाए। परमेश्वर के लिए हालेलुया हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसा ताट माने ने अपन उभा राहिला पाहिजे। कस माने ने कि प्रभु केले बाबा। कुछ लोग बोले कुछ भी नहीं, जागे ऊपर, प्रभु हो गया मेरा उद्धार, धन्यवाद यीशु। सिर्फ खुद का उद्धार हो गया, ऊपर आया। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, हालेलुया, वो अकेले कभी नहीं जाते, हालेलुया, वो सब दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, सबको लेके जाते हैं। हालेलुया। जब अमरोनी श्री से तारण झालं, सामरे श्री, प्रेज द लॉर्ड, उसने सब लोगों को इकट्ठा करके लेके आई। सब गांव को लेके आई, हालेलुया, यीशु मसीह के पास। दिस दैट इज द लवर। क्योंकि उसको मालूम था कि क्या पाप मैंने किए है, और परमेश्वर जो प्यार भरा है वो मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह बहुत टाइम से मुझसे बात कर रहा है। आई एम नॉट वर्दी, मैं उसके पात्र नहीं हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन वो फिर भी उसके प्यार भरी नजर से मुझे देख रहा है। हालेलुया, लाइफ चेंज हो गया। 5 हस्बैंड उसके होके गए थे मेरे प्यारे भाई, जिसके साथ रहती थी वो भी उसका पति नहीं था। ओ कैरेक्टरलेस, ओ वुमन, लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, उसको नया जिंदगी दी। हाँ, वेश्या को ओ सुवार्तिक में कन्वर्ट कर दिया। आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर आपका सारा बैकग्राउंड सब चेंज करके नया आपको कैरेक्टर में, हालेलुया, नया परमेश्वर आपको सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, आपको उसका पद देगा। हालेलुया, यू आर पास्टर, यू आर लीडर, यू आर प्रॉफिट, यू आर अपोस्टल, यू आर एवेंजेलिस्ट। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल ही इज, व्हाट अ वंडरफुल इज। स्त्रियों, औरत लोगों, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य में कम नहीं हो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर हिस्ट्री मेकर्स। पावर, सामर्थ्य आपने परमेश्वर ने दिया है। आप बोले नहीं पास्टर जी, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, और कुछ कुछ चर्च में तो स्त्री को बोलने का अधिकार भी नहीं है। एक घर में एक विजिट मैंने किया, एक व्यक्ति को मैंने भेंट दी, तो उसने बोला कि हमारे चर्च में स्त्री स्टेज पर खड़े नहीं रहते, वो गाना भी गाना रहते, प्रीचिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करता है मेरे प्यारे भाई। सारे जो न्यायियों के राज्य में, हालेलुया, सब बैरननेस था, सब और रेगिस्तान हुआ था, एक ही येली था, याजक था, लेकिन उसकी आंखें भी धुंधली हो गई थी। कुछ भी नहीं देख रह पाता था वो, परमेश्वर का दृष्टांत नहीं देख पाता, परमेश्वर का फ्यूचर नहीं देख पाता था, लेकिन हाले उस समय, हालेलुया, हन्ना को परमेश्वर ने चुना। पूरे इज़राइल में रिवाइवल लाने के लिए, पूरे इज़राइल में ओ बेदारी लाने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को चुना। हालेलुया, उसने, मेरे प्यारे भाइयों, लोग शमूएल शमूएल कहते हैं, उसने इज़राइल पर राज्य किया, शमूएल ने ये किया वो किया, बहुत बड़ा और नबी होके गया, संदेशता, भविष्यवक्ता होके गया, लोग कहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सैक्रिफाइस है वो उस माँ का सैक्रिफाइस है। जब उसने पैदा किया, जब उस दूध छोड़ने के बाद, दूध पीना छोड़ने के बाद, जब वो बच्चा 2 साल का हुआ रहेगा, ओ हाले, उसने उसको लाकर परमेश्वर के भवन में रख दिया। व्हाट अ ग्रेट एंड मार्वलस हार्ट, व्हाट अ सैक्रिफिशियल लाइफ, व्हाट, ओ मेरे प्यारे भाइयों, जब बाइबल में लिखे उसने बछड़ों को काट दिया,
जब वो बछड़ों को काटते रहेंगे उसका दिल भी छिन्नी होता रहेगा कि मेरे बच्चों को हालेलुया इतने साल के बाद जो हुआ है उसको मैं अभी ओ ज्यादा दिन नहीं देखूंगी। ओ कभी कभी साल में एक बार आती थी ओ बागा लेकर वस्त्र लेकर ओ हालेलुया, लेकिन ओ उसने दिल हालेलुया बड़ा कर दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। आज परमेश्वर स्त्रियों को बुलाता है कि आप अपना दिल परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा करने के लिए तैयार हो, कि आपने बेटों को हालेलुया जो आपकी संपत्ति है आपका धन है परमेश्वर के राज्य के लिए आप देने के लिए तैयार हो। हालेलुया आप जो सैक्रिफाइस करोगे हालेलुया वो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया परमेश्वर 101% कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने सोचा नहीं था कि एली याजक है, बोलो एली याजक है, जो बैकस्लिडन हुआ है, बोलो बैकस्लिडन हुआ है, उसके बच्चे तो बहुत शैतान से भी दूर। ये बाइबल में लिखे कि कैसे है वो, हाँ दूसरा अध्याय 12 वचन, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। लुच्चे थे। बहुत गिरे हुए थे, कुछ भी परमेश्वर का प्यार का अंश नहीं था, कुछ भी नहीं था उनमें हालेलुया, लेकिन उसने परमेश्वर के हालेलुया हाथों में सौंप कर गई। वो परमेश्वर वो व्यर्थ नहीं जाए देगा मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा 101%। हालेलुया जब आप परमेश्वर के लिए जो सैक्रिफाइस करते हो हालेलुया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो सब दुष्ट थे, उसके लड़कों ने एली के लड़कों व्यभिचार में गिर गए, जो परमेश्वर का अच्छा अच्छा था वो पहले खाते थे, खाते खाते उनका पेट बढ़ गया, मोटे हो गए वो। एली भी बहुत मोटा हो गया। हालेलुया जब मैंने पढ़ा कि शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया रात को, शमूएल शमूएल, उसको पता नहीं चला, वो एली के पास दौड़ते दौड़ते गया, बोलो दौड़ते दौड़ते गया। एली को मालूम था, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार उसको पता चला कि परमेश्वर आवाज दे रहा है। कौन आवाज दे रहा है, बोलो परमेश्वर। हालेलुया उसको भी एक्सपीरियंस था कि परमेश्वर की वाणी कैसी सुनते हैं, उसको भी अनुभव था कि परमेश्वर ने भी उसको बहुत बार बुलाया रहेगा, बहुत बार उसको प्लान दिए रहेंगे, बहुत बार उसको हालेलुया वो दर्शन दिया रहेगा, उससे बात की रहेगी। हाले उसको मालूम था कि परमेश्वर बुलाता है और बोलता है। हालेलुया हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ओ हालेलुया ओ हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों बोलता है, वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन उसने क्या किया, लेजीनेस, बोलो लेजीनेस, स्पिरिचुअल लेजीनेस। कभी कभी क्या हो जाता है, हम खाकर पीकर इतने मोटे हो जाते हैं। परमेश्वर हमें खिलाता है बेस्ट से बेस्ट, बोलो बेस्ट देता है वो, याजकों को बेस्ट, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके लिए बेस्ट देता है परमेश्वर। बोलो बेस्ट देता है, याजकों को कभी भूलता नहीं वो। याजकों को अच्छा पकवान। जो परमेश्वर की सेवा आप करोगे तो 101% परमेश्वर आपको अच्छा और बेस्ट ही देगा। बेस्ट कपड़ा रहेगा, बेस्ट गाड़ी रहेगी, हालेलुया सब कुछ बेस्ट और बेस्ट परमेश्वर आपको देगा, खाना भी बेस्ट खाओगे आप। हालेलुया उसने बोला परमेश्वर तुझको बुला रहा है। जब परमेश्वर वापस आवाज देगा तो बोलना कि तेरा दास सुन रहा है, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। हालेलुया ओ मेरे प्यारे भाइयों, यली भूल गया, उसको परमेश्वर का आवाज अभी अच्छा नहीं लगने लगा,
उसकी जगह दूसरे जब होता हालेलुया तो वो भी आता, चलो हम दोनों जाकर परमेश्वर की वाणी सुनेंगे, मैं भी परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं हालेलुया ओ क्यों उसने मुझे छोड़ा है हालेलुया। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बोलते कि हालेलुया परमेश्वर इन लोगों को, नए लोगों को चुन रहा है, अब कुछ नहीं, हमारा आंखें धुंधली हुई है हमारी, पर परमेश्वर की इच्छा है उस आंखें को वापस हालेलुया ब्राइट करे, चमकाए और उसके राज्य को हम देखें। प्रेज द लॉर्ड, उसके राज्य को हम देखें। हालेलुया, यली ने हालेलुया ओ कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने शमूएल से बातें किया और उसको बहुत बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, वो भी व्यर्थ बातों में नहीं गया, दुनिया की भ्रष्ट नहीं हुआ, यली के याजकों के जो बेटे थे उनके साथ गुलछले नहीं उड़ाया, ओ हालेलुया कुछ भी नहीं किया वो, हालेलुया अच्छा ही रहा, हालेलुया उसका ओ कैरेक्टर कभी लेस नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए सैक्रिफाइस किसी ने कीमत बोई है और उसकी माँ ने वो कीमत बोई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए जो सैक्रिफाइस करोगे, हालेलुया त्याग करोगे, अर्पण करोगे, भेंट दोगे, परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं, आपके बच्चे 101% परमेश्वर उनको हालेलुया दुनिया से दुनिया की बुरी लोगों से आदतों से वो कवरिंग करेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उनको कवरिंग करेगा, कितने भी बुरे रहने दो। वो भ्रष्ट नहीं होते गया, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आपके बच्चे परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ेंगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। एडिफिकेशन इन क्राइस्ट, एडिफिकेशन इन लॉर्ड, प्रभु में बलवान 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 होते जाएंगे। हालेलुया, कब? जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे। जब आप परमेश्वर की प्लान को समझाओगे, उसने समझ लिया कि कुछ तभी परमेश्वर प्लान कर रहा है, मेरी प्रेयर का स्टाइल चेंज होना चाहिए। बाइबल में लिखी और हर प्रतिवर्ष ऊपर सिलो में जाती थी और प्रेयर करके आती थी, बोलो हर साल जाती थी, रोके आती थी, बोलो रोके आती थी, और भी पनिन्ना है उस जले हुए पे नमक छिड़कने के लिए। आप लोग बोलते पास्टर जी ये लोग है ना, मुझे जले हुए पे नमक छिटकने वाले लोग रहेंगे आपके घर में। आप आगे मधे तेल लोतना रे। आला आगे मधे तेल होता है बरे ना, उलट तुझ्या अजून वाढत राहिले बाबा। तू कधी संतच होणार नाही। हालेलुया, आपको बर्न करने के लिए परमेश्वर वो लोग रखता है और आग बढ़े। हम बोले प्रभु अरे ऐसा हो रहा है हो रहा है, प्रभु अरे बाबा आग बढ़ेगी और। त्या झुडपा प्रमाणे हालेलुया तुम्ही जळाल पण भस्म होणार नाही। यू विल बर्न बट नॉट बी कंज्यूम। बोला बर्न बट नॉट कंज्यूम, भस्म नहीं होंगे, जलोगे, बोलो जलोगे, लेकिन भस्म नहीं होंगे। नहीं नहीं पास्टर जी जल रहा हूं मैं, अरे छोड़ दे। ये प्रॉब्लम, ये उसका ये दोष, ये उसका ये मुंह, ये कर रही है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना फल। परमेश्वर बोलता अरे तू जल रहा है ना बाबा, और हालेलुया एक मोसा नहीं हजार मोसे अट्रैक्ट हो जाएंगे तेरे ओर। समझ रहा है, समझता है क्या क्या मैं बोल रहा हूं? अरे एक मूसा का लाइफ चेंज हो गया, वो भूष देखा उसने 40 साल अल्लाह इधर उधर रेगिस्तान में भेड़ों को चराता था, लेकिन वो बोला ये अलग है, बोलो अलग है, हाँ आप अलग है।
जब आप भस्म जलते हो और भस्म नहीं होते हो, यू आर डिफरेंट पीपल, यू आर डिफरेंट वुमन। हालेलुया, लोग आपकी तरफ 101% अट्रैक्ट होकर उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। दिस इज द बर्निंग ऑफ द होली गोस्ट, प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का बर्निंग है, बोलो पवित्र आत्मा की आग है। कभी कभी हम ठंडे हो जाते हैं परमेश्वर, फिर आग डालने तेल डालने वाले लोग रखे भाई को ऐसे करेंगे, यूसुफ को छोड़ दिया उसके पीछे, कुत्ते को जैसे छोड़ दे, फिर हम क्या करेंगे, कुत्ता पीछे चला गया तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बोलो दौड़ेंगे, किधर दौड़ेंगे, परमेश्वर की योजना के ऊपर। क्योंकि हम रुक जाते, परमेश्वर उधर रुक, आपने ही तुम्हारे भाई को बहन को उधर छोड़ेगा, अपन उधर पिल्लू सोडून दिला। फिर यू विल रन, हालेलुया, आप दौड़ोगे परमेश्वर की योजना की। ओ भाई, आपको रोकने के लिए नहीं है, परमेश्वर की योजना के दौड़ने के लिए रखे परमेश्वर। अब बोले प्रभु, अरे ऐसे क्यों भाई दिया रे बाबा, ऐसे क्यों बहन दिया रे प्रभु, अरे चुने हुए को गिने, जो परमेश्वर ने चुने हैं चोजन बेसर के लिए, ऐसे ही भाई बहन देता है परमेश्वर। दाऊद को भी ऐसे भाई, बोलो दाऊद को भी ऐसे भाई, अरे यीशु को भी नहीं छोड़ा, उसके भी भाई वैसे थी। अब बोलो आपको भी वैसे भाई देंगे, बहन देंगे। फिर बोलने लगे प्रभु, अरे बाप, इसको तो उठा ले ना, तो मुझे तो उठा ले प्रभु। आप में से कोई लोग कर रहे हैं प्रार्थना, ऐसे ऐसा लगता है मुझे। इसको तो उठा ले, तो मुझे तो उठा ले। नहीं तो हम दोनों को ही उठा ले। कारण स्वर्गामध्ये हालेलुया सिंह आणि मेंढरू एकत्र राहणार ना। प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मुसीबतें, परमेश्वर मुसीबतें नहीं, और बढ़ो और स्पीड कम हो गया, परमेश्वर हो गया स्पीड, अभी भेजता हूं उसको, भूतीपुर के वाइफ को भेजता हूं अभी। और स्पीड बढ़ जाता है फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हालेलुया कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बाइबल में एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, योहन्ना रचित सुसमाचार 13:7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा, उसके बाद समझ में आएगा, ते अभी तेरी बत्ती नहीं जलेगी। कुछ कुछ लोग बत्ती ही नहीं जलती, सिर्फ उनका दिल जलता रहता है। दिमाग की बत्ती का गोल हो जाती, क्या कर रहा है परमेश्वर कुछ समझ में नहीं आता, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, चर्च गिर रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर बोलते अभी नहीं समझेगा, बाद में समझेगा तुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ धन्यवाद देना है, बोलो धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, क्या करना है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह को मारने वाले थे, उसने क्या किया, बाइबल में लिखा है कि उसने मत्ती रचित सुसमाचार 26:30, जब उसने प्रभु भोज किया, द्राक्षरस पिया, हालेलुया, ओ लॉर्ड सपर हुआ, ओ मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु भोज किया, तो उसके बाद उसने क्या किया, बोलो भजन गाया, गीत गाया, किसने गाया, बोलो सबने गाया, यीशु मसीह भी था उसमें, और यीशु मसीह को मालूम था अभी मेरा टाइम आया है, यहूदा चुंबन लेने वाला है, और ये चुंबन हालेलुया लेकर मुझे फंसाने वाला है, लेकिन उसका मुंह ऐसा नहीं था,
कि लोगों मुँह इतना ऐसा है, 12 बज हर टाइम 12 ही बजते रहते, उसके बाद एक भी नहीं बजता, दो भी नहीं बजते जीवन में भी 12 बज गए उनकी उसने भजन गाया और यीशु मसीह ने भी उनमें गाया उसने। लोग बोलते किधर भाई में लिखा है किधर यीशु ने गाया पास्टर जी, अरे बाबा ये क्या क्या लिखा है, सब ने मिलकर हालेलुया गीत गाए साम्स गाते थे वो यहूदी लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ओ वो रोते नहीं बेटा हालेलुया, वो भी स्तुति किया उसने, मेरे प्यारे भाई रो मत हालेलुया, हम उसकी जगह पर रहते तो अरे बापरे बापरे। आपको मालूम रहेगा अभी कल मुझे ये मरना है, क्रूस पर मुझे टंगाएंगे, हाथों में खिले पैरों में खिले, थूकेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बाप रे बाप लेकिन उसका चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा हालेलुया, उसको मालूम था कि कुछ भी होगा सब होगा लेकिन उसके बाद रिजरेक्शन होने वाला है हालेलुया। ये मृत्यु को उसने नहीं देखा, उसने रिजरेक्शन को देखा हालेलुया, गर्भ के वेदनाओं को नहीं देखा, जो गर्भ हो हालेलुया जब बच्चा पैदा होता है उस आनंद को उसने देखा हालेलुया, उस आनंद को देखो, बोलो आनंद को देखो। हाँ परीक्षा को मत देखो, अरे ये पोती पर की भाई पत्नी ये भाई वो नहीं, अरे उसके बाद भाई बहन लेकिन मी या सोन्यामध्ये या भट्टीमध्ये टाकल्यानंतर अजून सोन्यासारखा 52 कशी सोन्यासारखा शुद्ध मी होऊन बाहेर पडणार आहे, त्या सोन्या त्या सोन्याकडे बघा तुमचा चेहरा असा होणार आहे आपका कॅरेक्टर ऐसा होने वाला, उसके वो देख कर आनंद करना है, उस फायर में भी आनंद करना है, उस ओ प्रॉब्लम में आनंद करो हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही कर रहा है हालेलुया। आपको अभी समझ में नहीं आता लेकिन 100% परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहा है प्यार से भरो, बोलो प्यार से भरो। जब यीशु मसीह ने एक दाखला बताया लुका रचित सुसमाचार 15 चैप्टर में कि दो पुत्र थे, एक उड़ाऊ पुत्र था और एक जेठा पुत्र था। उड़ाव पुत्र ने सब कुछ प्रॉपर्टी लेकर गया, वापस जब आया तो मेरे प्यारे भाइयों उसका बाप ने ओ उसको बागा दिया, उसको अंगूठी दिया, उसके पैरों में चप्पल पहनाए और बहुत बड़ा एंजॉयमेंट पार्टी उसने रखा। लेकिन एक पुत्र उसका भाई था वो नो जॉय, बोलो नो जॉय, प्यार नहीं था उसके उसके भाई के लिए। और वो परमेश्वर किसके बारे में बता रहे हैं, फरीसियों के बारे में, जो 110 बोलो देते थे, प्रार्थना चर्च वचन सिखाते थे लेकिन हालेलुया उसमें एक मेरे प्यारे भाइयों हालेलुया भाई के लिए उनके लिए प्यार नहीं था, नो लव। हालेलुया हमारे भाई के लिए प्यार रखो हालेलुया, हमारे परमेश्वर के लिए प्यार। सिर्फ लोग बोलते कि मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा, नहीं, जो परमेश्वर से प्यार करता है हालेलुया परमेश्वर का प्यार उसके अंदर आता है और वो अंदर आने वाला जो प्यार है वो नदी की तरह बहता है और लोगों को पता चलता है कि वो परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ है हालेलुया। कोई भी व्यक्ति रहेगा हालेलुया वो प्यार आपसे बहेगा ही मेरे प्यारे भाइयों। दाऊद ने भी उसका जो परमेश्वर के प्यार से भरा था वो प्यार उसने शाऊल को दिखाया, अब मफीबोशेत को दिखाया, वो लोगों को दिखाया, वो प्यार बहता गया। जब हम प्यार से भरते हैं तो वो प्याला भरकर बहता है मेरे प्यारे भाई, बहना चाहिए
और नहीं बह रहा है तो समझ में आप समझ लीजिए कि हमारा प्याला आधा ही बाकी हम आधे ही प्यार से भर चुके जो लेकिन फुल प्यार से भरा हुआ है। हालेलुया, उनका प्यार हालेलुया बहते बहते हालेलुया बह जाएगा और लोगों को हालेलुया यहूदा को भी चुंबन लेने के लिए आप अलाउड करें। यहूदा भी आएगा और आपको मालूम रहेगा अरे ये मुझे ये करने वाला है, आप बोलेंगे जो करना है वो करो आई एम रेडी फॉर डाई। ओ मेरे प्यारे भाइयों हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आपको भूलेगा नहीं, परमेश्वर आपके प्यार को आपके सैक्रिफाइस को भूलेगा नहीं जो परमेश्वर के लिए आपने किया है। हालेलुया वो आप परमेश्वर ध्यान में रखेगा और परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एली ने सब अनुभव किया था लेकिन उसने प्रेयर भी किया। जब हन्ना वापस उसके पास आई बच्चा लेकर, परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि उसने वापस प्रेयर किया कि प्रभु आप उसे आशीषित करो और बाइबल में लिखा है कि वापस उसको बच्चे हुए। हालेलुया एली की प्रार्थना ने परमेश्वर ने सुना। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम वापस रिटर्न यू टर्न मारकर वापस उसके चरणों में हम वापस आ जाए। हालेलुया हम वापस उसके प्यार में वापस गिर जाए। हालेलुया वापस उसके और हम बढ़ेंगे। हालेलुया उड़ाव पुत्र को पता चला कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया की चीजों से सब व्यर्थ है लेकिन एक ही परमेश्वर बाप के ही घर में मुझे आनंद है, बाकी आनंद मुझे कहीं नहीं मिलेगा। वो रिटर्न आया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का प्यार हमको वापस उसके चरणों में लेके आएगा। परमेश्वर का प्यार हमको वापस उसके चरणों में आएगा लेके आएगा। मेरे प्यारे भाइयों आप कहीं भी रहोगे लेकिन आपको एक समय आएगा आपको पता चलेगा कि मुझे वापस उस परमेश्वर की ओर ही आना है। प्रेज द लॉर्ड बाकी मुझे कहीं पर ठिकाना नहीं है, बाकी मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हालेलुया लेकिन परमेश्वर ही मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। हालेलुया ओ मेरे प्यारे भाइयों थैंक यू लॉर्ड। आइए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस गद में गया उसको 16 महीने हुए कुछ भी रिटर्न नहीं आया, परमेश्वर ने एक प्रॉब्लम उसके लिए भेजा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया। उसके सारे जवानों के योद्धाओं के ओ पत्नियों को ओ बंदीवान करके लेके गए लोग और वो सब उस पर पत्थर उठाने के लिए तैयार हो गए। और यार अब शानदार जब दाऊद को पता चला तुम मेरा कुछ भी नहीं है सिर्फ मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर ही। 16 महीने उसने कभी प्रेयर नहीं किया, उसने कभी प्रार्थना नहीं की, उसने कभी गीत नहीं लिखा लेकिन जब वो प्रॉब्लम में फंसा तब उसने प्रेयर किया प्रभु मैं जाऊं क्या, मैं उसको वापस लेके आऊं क्या। परमेश्वर बोला गो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया परमेश्वर बोला नहीं नहीं दाऊद अभी तू कुछ नहीं कर सकता, 16 महीने तूने मुझे कभी देखा नहीं, 16 महीने तूने मेरा कभी गीत नहीं गाया, 16 महीने तूने मेरा कभी चेहरा नहीं देखा, ओ मैं तुम्हें विजय नहीं दूंगा, तू पराजित हो जाएगा। नहीं
उसको मालूम था। हालेलुया, परमेश्वर प्यार से भरा परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको रिव्यूक नहीं किया, उस पर दोष न लगाए। परमेश्वर बोला जा। ओ यारा रा रा बशान, ओ व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। क्योंकि परमेश्वर उसके सैक्रिफाइस को नहीं भूला, उसने 16 महीने को भूला दिया, लेकिन उसके लाइफ में जो उसने गीत लिखे हैं, जो जंगल में प्रभु की स्तुति की है, वो परमेश्वर ने नहीं भूला। ओ हालेलुया, परमेश्वर हमारे ओ गलतियों को भूल जाता है, हमारे पापों को भूल जाता है, लेकिन हमारे सैक्रिफाइस को कभी भूलता नहीं। हमारे त्यागों को स्मरण करने वाला परमेश्वर वो है। हमारे आंसू जो आपने बोए हैं, वो आंसू को कभी नहीं भूलेगा। वो अश्रुत पुतली मध्ये जमा ठेवणारा परमेश्वर आहे। ओ यारा बशंत, तुमचे पाप सागराच्या डोहामध्ये टाकायला तयार आहे, पण तुमचे आश्रू बुदलीमध्ये जमा करणारा परमेश्वर आहे। ओ व्हाट अ वंडरफुल परमेश्वर, किती महान तो परमेश्वर आहे। ओ म्हणाला दावीद, मी तुझं तरुणपण पाहिलेलं आहे, मी तुला विसरलो नाही दावीद। त्या जंगलामध्ये कोणी नव्हतं, पण त्यावेळेस तू माझे गीत गात होता। ओ मी तुला कधीच सोडणार नाही दावी। यू आर माय बिलीवर, यू आर माय डेव्हिड, तू माझा प्रिय आहेस। ओ माझ्या प्रियांना, आज देवाचा आत्मा तुम्हाला देखील सांगत आहे, यू आर माय बिलीवर, यू आर माय बिलीवर, तू मेरा प्रिय आहे। यू आर माय फेवरेट, तू माझा प्रिय आहे। यू आर माय बिलीवर। ओ परमेश्वर तुम्हाला परत बोलवत आहे, दिस इज माय डिझायर ऑन अर्थ फॉर विथ ऑल माय हार्ट आय वर्शिप। देव आशीर्वाद करत होता, करत होता, करत होता। हो हालेलुया, त्याची प्रार्थना पण परमेश्वर ऐकत होता, पण तो परत परमेश्वराकडे आलाच नाही। परमेश्वर त्याच्यावर नाराज होता। अनेक देवाचा सेवक देखील त्याने त्याच्याकडे पाठवला। परमेश्वरने एक दास को उसके लिए भेजा, and he prophesied, त्याने भविष्यवाणी केली, तू माझ्यापेक्षाही माझ्या मुलावर जास्त प्रेम, तुझ्या मुलावर जास्त प्रेम करतो, त्याचा आदर माझ्यापेक्षा जास्त करतोस, तू मेरे से भी ज्यादा अपने बच्चों का आदर करता है। ओ यारा रा 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 रा
बट उसने सुना नहीं, उसने सुना नहीं, उस वाणी को उसने तुच्छ जाना, उस प्रोफेसी को उसने तुच्छ जाना, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति आकर उसको प्रोफेसी कर रहा था। वो बहुत बड़ा याजक था, लेकिन परमेश्वर की वाणी को उसने कुछ सीरियस नहीं लिया। ओ यारा बा शानदार रबा रबा रबा। फिर वापस परमेश्वर ने शमूएल के द्वारे बात किया। ओ यारा रा 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 बा 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 शाका ला ला रा रा रा। तेरे बच्चों को तूने रोका नहीं। ओ एली, तू मेरा याजक है, लेकिन तू क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? और यारा बा शकंता रबा 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 रखा ला बा 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 शाका रबा। उस विश्वानी को भी उसने सुना नहीं। नो रिपेंटर्स, नो यू टर्न। ओ परमेश्वर आपको यू टर्न करने के लिए बुला रहा है। दिस इज हिज वॉइस। उसकी वाणी को तुच्छ मत जानो। ये पवित्र आत्मा की वाणी आपको बुला रहा है। और यार रबा शखंदा रबा 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 रबा। ओ हालेलुया, कम बैक टू द लॉर्ड, टर्न टू द लॉर्ड, और रिवर्स टू द लॉर्ड, और रिवर्स टू योर डैडी, रिवर्स टू योर चर्च, और रिवर्स टू योर फर्स्ट लव। और यार रबा शखा रबा रबा रबा। दाऊद को पता चला, ओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये प्रॉब्लम मुझे रिवर्स करने के लिए है, ओ ये समस्या मुझे परमेश्वर के लिए वापस जाने के लिए बुला रही है। ओ हालेलुया, डेविड वॉज रेडी, डेविड वॉज रेडी। ओ उसका एक ही अच्छा काम था, जब दोष किसी ने बताया, जब दोष किसी ने परमेश्वर ने बताया, ही ऑलवेज सेड आई एक्सेप्टेड इट। ओ यार रबा रबा, नाथान ने उसकी गलती बताई, वो उसे आई एक्सेप्टेड। ओ उसने रोकर रोकर पश्चाताप किया। ओ रीना रबा शा एक्सेप्टेड। ओ रिया ला 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 ला। पवित्र आत्मा अनेक लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य करते। वो गलती को भूलेगा, लेकिन आपके सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलेगा। और यार अब शानदार रियान था रब शानदार। और यार अब शखा ला पा रहा। और यार अब रब शखा रहा। पत्रस के गलती को भूल गया, लेकिन उसके वो सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूल सकता परमेश्वर। और यार अब शानदार अब रब। ओ देवासाठी जे काही तुम्ही केलेलं आहे तो विसरणार नाही माझ्या प्रिया। और या रबा शखांदा रबा बाबा रियान तो बाबा बाबा शखा रबा बाबा। ओ रि रा रबा 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 शांति रिया रबा। ओ रिया रबा शखा लबा रबा। ओ रिया ला 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 रबा रबा रबा। ओ रिया रबा शांति रिया। दाऊद के बारे में एक लिखना बाकी था कि वो मेरे हृदय के जैसा राजा है। आफ्टर माय ओन हार्ट, डेविड इज आफ्टर माय ओन हार्ट, माझ्या हृदया सारखा राजा। ओ यार रबा शखंदा रबा। ओ पुरानी वाचा में नहीं, लेकिन नए वाचा में परमेश्वर ने लिख दिया। ओ यार रबा शानदार रे 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 रे। ओ री रा 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 रा। ओ रे 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 रे। ओ रिया रा बा शानदार रिया रा बा रा बा रा बा री रे रे रा बा 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 शानदार रा बा रा बा रा बा। थैंक यू होली होली स्पिरिट।
पश्चाताप केला तो रडला त्याच्या नजरेने. ओ हालेलुया, परत जरी तो विसरला, परत तो नाव पकडायला माशे पकडायला गेला तरी परमेश्वर म्हटला नाही, पत्रस पेत्र मी तुला निवडलेलं आहे, हालेलुया, तुझ्यावर मी मंडळी रचणार आहे, या खडकावर मी मंडळी रस. ओ रे राबा शक्य, थँक यू होली गोस्ट. ओ हालेलुया, तुम्ही किती जाण्याचा पाळण्याचा प्रयत्न करा पण परमेश्वर तुम्हाला परत हालेलुया त्या पाचारणामध्ये घेऊन ये, परत त्या रस्त्यावरती घेऊन ये, परत त्या वाटेवरती घेऊन ये. हालेलुया, येशूच्या नावामध्ये आम्ही स्वीकारतो बापा, कारण सगळे आम्ही तुझे बिलवड आहोत. ओ आम्ही सगळे तुझे दावीद आहोत, प्रिय प्रियसी आहोत. हालेलुया, या ठिकाणी अनेक मरिया आहेत, अनेक दावीद आहेत, प्रेशियस पीपल, गॉड्स प्रेशियस पीपल. हालेलुया, एक देखील हरवला जाणार नाही. प्रभू तू म्हटलं माझ्याकडे जे तू दिले त्याच्यातला एक देखील हरवला नाही मी. ओ याच्यामधला कोणी हरवला जाणार नाही, कारण सगळे बिलवड आहेत, सगळे प्रियकर आहेत. ओ जरी ते भटकतील पण परत तू त्यांना रस्त्यावर तू आणणारा परमेश्वर आहे. बिकॉज वी आर युअर बिलवर, वी आर युअर डेविड, वी आर युअर डेविड. थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड. ओ वी ब्लेस यू. हालेलुया, आम्ही सर्वांना आशीर्वादित करतो बापा, सगळे मेंबर आम्ही आशीर्वादित करतो. हालेलुया, लाईफ आशीर्वादित, फायनान्स मध्ये आशीर्वादित, कुटुंबामध्ये आशीर्वादित. ओ हाल जाणे येणं आशीर्वादित, सुपर नॅचरल मिरायकल आम्ही स्वीकारतो त्यांच्या लाईफ मध्ये, प्रगती उन्नती प्रमोशन आम्ही स्वीकारतो बापा. हालेलुया, थँक यू जीसस, हालेलुया. प्रभू येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करतो, आमेन आमेन.